विजयदेह श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेशलाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में अब हम सीजन 2 के अंतर्गत विविध प्रकार की शीतकाल की सामग्रियाँ देख रहे हैं। तो आज हम दूधघर विभाग में बनती सामग्री त्रिरंगी बर्फी बनाना देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी गणित सामग्री लिया है। यहाँ पर पिस्ता का भुक्का लिया 1 कप, बादाम का भुक्का 1 कप, काजू का भुक्का 1 कप, इलायची, घोटा हुआ केसर, घी और अंदाज से 1.5 कप जितना हमने चीनी ली है और वरक। तो शुरू करते हैं हम विधि। जल बदरा कर हम 1.5 तार की चाशनी करेंगे। यहाँ पर अपनी चाशनी 1.5 तार की बन के तैयार हो गई है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अंदाज से ऐसा मान के चल सकते हो कि जो हम सिंग तेल जो रहता है ग्राउंडनट ऑयल उसकी जैसी चिकाश रहती है, वो तरह की चाशनी तैयार हो तो 1.5 तार की चाशनी है। तो अब हम फ्लेम बंद करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। इलायची का भुक्का बदराएंगे, इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम खोटेंगे। चाशनी घोट के तैयार हो गई है। यहां पर एक पात्र में हम पहले पिस्ता का भुक्का लेंगे, एक चम्मच हम पहले चाशनी पदराएंगे, फिर जरूरत अनुसार आगे और पदरा सकते हैं। पहले से यदि हम ज़्यादा चाशनी पदरा देंगे तो जो घोल है वो बहुत ढीला हो जाएगा तो बर्फी जमेगी नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके ही हमें चाशनी मिलानी है। एक चम्मच चाशनी में हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। यहाँ पर चौकी को मैंने घी से चिकनी कर दी है तो उसमें हम डालेंगे, थोड़ा घी वाला हाथ कर लेंगे। अब हम उसी पात्र में काजू का भुक्का लेंगे, इसमें भी हम 1 चम्मच पहले चाशनी पदराएंगे, फिर से हम थोड़ा घी वाला हाथ कर लेंगे। अब बादाम का भुक्का लेंगे, इसमें हम घोटा हुआ केसर पहले पदराएंगे, केसर की मात्रा में थोड़ी ज्यादा लेनी है। अब हम इसमें चाशनी पदराएंगे, बढ़िया सा गहरा केसरी रंग आना चाहिए तो ही हमारे जो 3 रंग है वो दिखेंगे। घी वाला हाथ करेंगे,
अब इसे हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम वरख लगाएंगे। तो यहाँ पर अपनी बर्फ़ी जम के तैयार हो गई है, अंदाज से 2 घंटे हो गए, तो अब इस पर हम वरख लगाएंगे। आपके पास वरख ना हो तो आप पिस्ता की पाचरी भी या बादाम की पाचरी भी इस पर साध सकते हो। अब हम इसके टूक करेंगे। देख सकते हो कि बढ़िया से 3 रंग आए हैं इसके। इसे साजते हैं एक पात्र में। तो इस तरह आज हमने 3 रंगी बर्फी, जो न्यू कमर्स है वो भी बना सकते हैं, इस तरह से हमने देखी है। क्योंकि इसमें हम चाशनी थोड़ी थोड़ी करके बदरानी है, तो कोई भी न्यू कमर भी ये सामग्री बहुत सरलता से बना सकता है। तो ऐसी अन्य सामग्री की वीडियोस आपको देखने हो तो आप पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे और भी वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे और पूज्य वल्लभ कुल बालकों के वचनामृत का भी आपको लाभ मिलता रहेगा। तो ऐसी नई सामग्री के वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।